नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और यहाँ पे दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है बीएड के हुए कैंडिडेट के लिए कि जो भी बीएड के हुए कैंडिडेट हैं वो सीटेट में एक से पांचवीं कक्षा तक के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो भी सीटेट के अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो सर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं सभी तक जानकारी पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि क्या यहाँ पे अपडेट निकल के आया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि livehindustan.com का रिपोर्ट है, इसमें अगर नीचे देखें तो हेडलाइन जो दिया गया है सीटेट 2018 खुशखबरी, बीएड पास उम्मीदवार दे सकेंगे प्राइमरी सीटेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी बीएड पास के हुए उम्मीदवार हैं वो भी अब सीटेट में प्राइमरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर अगर नीचे देखें तो डिटेल में लिखा गया है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट को लेकर चल रही अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने कहा है कि बीएड पास उम्मीदवार भी पहली से पांचवी कक्षा के लिए सीटेट दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि CBSE के द्वारा ये बोल दिया गया है कि जितने भी बीएड पास के हुए कैंडिडेट हैं वो सीटेट में पहली से पांचवी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मालूम हो 1 अगस्त से जारी सीटेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्राइमरी स्तर के सीटेट के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता में बीएड पास उम्मीदवारों को जगह नहीं दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियर रूप से ये भी बोला जा रहा है कि 1 अगस्त को जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे जारी किया गया था सीटेट के द्वारा, जिसमें कि प्राइमरी स्तर के सीटेट के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता में बीएड पास उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई थी। फिर नीचे लिखा गया है CBSE के एक आला अधिकारी ने हिंदुस्तान को बताया, हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी सभी निर्देश का पालन कर रहे हैं। इसमें बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अर्हता देने का NCT का निर्णय भी शामिल है। तो CBSE के एक आला अधिकारी के द्वारा ये बोला गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका हम पालन कर रहे हैं, उसके बाद जो भी NCT के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो भी इसमें शामिल है। अधिकारी ने कहा कि सीटेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के 7 नंबर के पैराग्राफ में नोट में स्पष्ट लिखा गया है कि जो उम्मीदवार पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं दोनों स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं उसे दोनों पेपर देने होंगे। ऐसे में ये स्पष्ट है कि हम किसी को परीक्षा देने से रोक नहीं रहे। तो अधिकारी के द्वारा यह भी बोला गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 7 नंबर को निकाला गया था, जिसमें कि एक पैराग्राफ में नोट करके लिखा गया है कि जितने भी बीएड के हुए कैंडिडेट हैं पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं अगर दोनों स्तर के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें दोनों पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकारी के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि हम किसी को भी परीक्षा देने से रोक नहीं रहे। हालांकि अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई सूचनाएं स्पष्ट नहीं है, इसकी वजह से छात्रों में असमंजस की स्थिति बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी सूचनाएं दिए गए हैं वो स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण कि जितने भी बीएड के हुए कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को लेकर असमंजस में है कि वो पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं दोनों क्लास के लिए फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। लेकिन अधिकारी के द्वारा यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी बीएड के हुए कैंडिडेट हैं वो पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं दोनों स्तर के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बीएड के हुए कैंडिडेट हैं और अगर आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं तो आप पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं दोनों स्तर के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियर रूप से यहाँ पे ये बोल दिया गया है। और दोस्तों आपको यहाँ पे हम बता दें कि 1 अगस्त को जब इसका फॉर्म आया था तो सीटेट की वेबसाइट पे 3 बार यहाँ पे अपडेट किया गया था, जिसमें कि बीएड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं थे कि वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं या फिर नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी कि वो प्राइमरी क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सीटेट की वेबसाइट पे फिर से यहाँ पे अपडेट किया गया, जिसमें बताया गया कि जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उस अपडेट को हटा दिया गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी CBSE के एक आला अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जितने भी बीएड के हुए कैंडिडेट हैं वो पहली से पांचवीं और छठी से आठवीं दोनों स्तर के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो यही यहाँ पे दोस्तों बड़ा अपडेट निकल कर रहा था। और दोस्तों अगर आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है, जो भी बेस्ट बुक है 2018 के सीटेट के लिए अभी जो नया सिलेबस के आधार पर, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा बुक पढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि लिखा गया है सीटेट 2018 बेस्ट बुक नए सिलेबस पर आधारित। तो आप इस वीडियो को जाके देख लें, इस वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है, इस बुक में किस तरह से क्वेश्चंस दिए गए, तो वो हर एक चीज मैंने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों आप इस वीडियो को जाके देख लें।
तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है। वैसे दोस्तों आपको इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ कि आप डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों बड़ा अपडेट निकल कर आता है सीटेट की तरफ से। और दोस्तों आगे यहाँ पे कोई अपडेट आता है सीटेट को लेकर या फिर एनआईएस से डीएलएड को लेकर या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब को लेकर, तो आपको यहाँ पे इसी तरह से वीडियो के थ्रू बता दिया गया। दोस्तों इसी तरह के वीडियो सर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं सभी तक जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।